सिद्धार्थ जी सुप्रभात। गोल्डन टाई के साथ आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं इस हफ्ते की शानदार थीम कौन सी चुनी है आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी को। गोल्डन टाई के साथ गोल्डन थीम और गोल्डन स्टॉक दोनों आए हैं। तो आज का जो थीम है अनिल जी, लोग 15,200 से जो निफ्टी ने रिकवरी की है वो 15 से 16% की रिकवरी होगी निफ्टी में। बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स चल गए। लोग पूछते हैं कि ऐसी कुछ चीजें बताओ जो चले नहीं हो, जो अब चलने के लिए तैयार कर रहे हो। तो आज का जो थीम है वो है रूट टू रिकवरी। अब ऐसे स्टॉक्स जो अब रिकवरी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस कर रहे थे कई कारणों से, पर उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस जो दमदार है, डिलीवरी बेटर है, मार्जिन अब बेहतर हो रहे हैं, इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ एक बदलाव किए हैं, अब जाके इनके सेल्स रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी सब दमदार रहेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छे से टर्न अराउंड होंगे। ऐसे स्टॉक्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ये बाजार में भी अब गोली की तरह भाग सकते हैं। रूट टू रिकवरी, दमदार स्टॉक्स अब जो यहां से खरीद सकते हैं। ये आपने क्या बोला कि गोली की तरह या गोली की तरह, किसकी तरह भागेंगे? आजकल ऐसे कोहली भी बहुत तेज दौड़ लगा रहे हैं, रन बड़े मुश्किल से बनते हैं, तब भागना बहुत पड़ता है। अनिल जी वो गोली और कोहली दोनों सेम ही है, दोनों एक तरीके से भागते हैं। चलिए बढ़िया है, या तो लगेगी तो 50 या फिर 0, या तो पूरा बुलेट निशाने पे या मिस फायर। तो चलिए बताएं आपकी पसंद की शेयर इस थीम में। रूट टू रिकवरी का जो थीम है इसमें चार कंपनियां लेके आया हूं और चारों कंपनियों का एलोकेशन बताऊंगा। सबसे पहले कंपनी होगी गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज पे खरीदारी की राय है, टारगेट आपको रखना है 1943 और 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। रियल एस्टेट में कुछ एक अप्रूवल, दो पिछले साल में इनके अप्रूवल नहीं आए थे, प्रॉपर्टीज के डिलेड अप्रूवल थे, ये साल में बहुत सारे अप्रूवल आ चुके हैं, अब ये कंपनी में बहुत दमदार परफॉर्मेंस आ सकता है। और वो दर्शाता है Q1 के नतीजे, प्री सेल्स करीबन 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट के प्री सेल्स हो गए, 2500 करोड़ के प्री सेल्स हुए गोदरेज प्रॉपर्टीज द्वारा। डीलेवरेजिंग हो रही है, अपॉर्चुनिटीज बहुत जोरदार है, मार्केट शेयर गेन कर रही है गोदरेज प्रॉपर्टीज। और दो लॉन्चेस वेस्टर्न रीजन में, एक लॉन्च प्रोजेक्ट का हुआ है NCR में। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज जो अपने दाम भी बढ़ा चुकी है 5 से 6% अक्रॉस इंडिया, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पे खरीदारी है 1943 के टारगेट के लिए। दूसरी कंपनी होगी MNC फार्मा, फाइजर, जिसका टारगेट आपको रखना है 4900 का, 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस बहुत हद तक कर चुके हैं, नॉन कोर एसेट्स या बिजनेस से निकल चुके हैं, इंक्रीज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्टिविटी, और जो इनके ब्रांड्स है जैसे कि कोरेक्स कार्डियक पोर्टफोलियो, इस पे दमदार फोकस कर रही है फाइजर, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है, टारगेट 4900 का। तीसरी कंपनी है PNB हाउसिंग फाइनेंस, टारगेट आपको रखना है 437 का, 20 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। वर्स्ट एसेट क्वालिटी का जो दौर था इनका खत्म हो चुका, अब GNPA गिरे हैं 6.5% पे आ गए हैं 8% से। अब मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटेल सेगमेंट में बहुत अच्छा फोकस करेंगे। AUM जो इनका है 66,000 करोड़ का AUM है, जबकि इनका वैल्यूएशन है 0.6 टाइम। दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की बात करें तो M&M फाइनेंस 1.5 टाइम पे, कैंफिन होम 2.5 टाइम पे, दूसरी सारी कंपनियां महंगी, सस्ते से सस्ती कंपनी PNB हाउसिंग फाइनेंस। और चौथी कंपनी रूट टू रिकवरी में होगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, एक स्पेशलिटी केमिकल की दमदार कंपनी, टारगेट 490 का, अंतिम के 20 रुपए लगाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक पे। प्रॉफिटेबिलिटी पहली तिमाही में 45% से बढ़े हैं, इन्होंने अपनी सेल्स मिक्स चेंज की है, अब केमिकल स्पेशलिटी केमिकल फ्लोरीन बेस्ड केमिकल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जिसमें मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं। केपेक्स है 350 करोड़ का और इंप्रूवमेंट हो रहा है एक्सपोर्ट्स में, लक्ष्मी ऑर्गेनिक 490 के टारगेट के लिए। घबराइए मत, कोई भी मार्केट की कंडीशन और जैसा भी लेवल हो, ऐसे स्टॉक जरूर मिल जाते हैं जो अब चलने के लिए तैयार है, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स, रूट टू रिकवरी वाले स्टॉक्स। ओके, रूट टू रिकवरी, गोदरेज प्रॉपर्टी, फाइजर, PNB हाउसिंग और साथ ही साथ लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। अच्छा ओके, PNB हाउसिंग 437 हो गया, ये कब हुआ? मैं 337 का टारगेट है सर। अच्छा 437 का टारगेट, हाँ मैं वही सोचा, मैंने कहा मैं 300 सवा 300 देखा करता था once upon a time, वहीं पर फिर ठीक है, हाँ फिर ठीक है, भाव टारगेट है, मैं 437 का टारगेट। ओके अच्छा, तो ये सारे क्या है, रूट टू रिकवरी, यही है ना आपकी सिद्धार्थ जी थीम?
बिल्कुल अनिल जी, अच्छा सिद्धार्थ जी की इस थीम पे मेरा सवाल है और ये मासूम सा सवाल बंसल जी से है। बिल्कुल बंसल जी, ये जब है ना सिद्धार्थ जी देते तो रूट टू रिकवरी और ये कुणाल जी देते तो राउट मोबाइल, स्पेलिंग सेम है, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है, आप कंफ्यूज हैं अभी भी? नहीं अनिल जी देखिए, मेरा तो कंफ्यूजन पहले भी नहीं था, हम तो रूट ही बोलते थे और अनिल जी रूट के जो ओनर हैं वो तो जी बिजनेस पर बोल के गए हैं न्यूज पर, व्यूज पर कि इट्स रूट एंड इट्स नॉट राउट वाउट जो भी है कुणाल जी बोलते हैं, और वो अनिल जी वो बाहर से पढ़ के आए हैं। तो अनिल जी यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं जो रूट को राउट और अलग अलग बोल रहे हैं, अनिल जी अपने नंबर बढ़ा रहे हैं अनिल जी, और कुछ नहीं है। हाँ ये बाहर वालों की प्रॉब्लम है। हाँ जी कुणाल जी पहले आप बोल दे फिर बाहर वालों से भी बात करता हूँ। जी अनिल जी देखिए, इसका एक अनिल जी बहुत अच्छा वजह है, इसको राउट बोलने का एक वजह है अनिल जी। वजह ये है, वैसे तो देखिए अमेरिकन इंग्लिश में अनिल जी राउट कहते हैं, लेकिन एक इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल रीजन ये है अनिल जी कि रूट मतलब होती है जड़ें। तो अनिल जी दो शब्द हो गए, एक जड़ को भी रूट कहते हैं अंग्रेजी में, और अगर आप रास्ते को भी रूट कहेंगे तो उससे बेहतर है कि रास्ते को राउट कहा जाए और जो जड़ें हैं उनको रूट कहा जाए। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे बहुत सारे शब्द, ये नहीं, ये लॉजिक तो बराबर नहीं है। अच्छा बाय द वे आपने बोला कि अमेरिकन इंग्लिश, तो दो तरह की इंग्लिश होती है अमेरिकन और ब्रिटेन वाली? दो तरह की होती है अनिल जी। अरे अनिल जी इंग्लिश तो अनिल जी सारे देशों में दुनिया के बोली जाती है, और एक इंडियन इंग्लिश भी अनिल जी है। नहीं बंसल जी की बाकायदा अनिल जी डिक्शनरी भी आ चुकी है ऑक्सफोर्ड की। हमारे बंसल जी की बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, बंसल जी की बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है कि एक पंजाबी इंग्लिश भी शुरू होनी चाहिए। जी बंसल जी नहीं अनिल जी देखिए इंग्लिश तो दो ही तरीके की है, एक तो अमेरिकन इंग्लिश होती है और एक यूरोपियन इंग्लिश होती है। और अनिल जी हिंदी दो तरह की है, एक हिंदी नॉर्मल होती है और एक हिंदी 5.1 होती है। और अनिल जी ये सब चीजें ओटीटी के ऊपर है, एक भी जगह अनिल जी कोई और तरीके की इंग्लिश नहीं है, अमेरिकन इंग्लिश और यूरोपियन इंग्लिश। अनिल जी कुणाल जी को बोले थोड़ा सी नॉलेज बढ़ाएं ओटीटी पे बैठ के। ओटीटी पे नॉलेज तो नहीं बढ़ती, ये बात तो पक्की है, एंटरटेनमेंट तो होता है, लेकिन बढ़िया अच्छे अच्छे वर्जन आए। जो विदेशों की आपने बात की, हमारे ये विदेश वाले अमेरिका के पड़ोस में, एक तो हमारे एक्स कनाडा वाले कुणाल जी, और एक वर्तमान कनाडा वाले हमारे शुभम, वहां पे भी रूट एक राउट है। अनिल जी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और सीरी को अगर आप बोलेंगे कि टेल मी द रूट टू दिस लोकेशन, तो नहीं बता पाएगी। अच्छा, और इसीलिए ये जितने भी होम ऑटोमेशन और ये सारे जो प्रोडक्ट्स है अभी तक इंडिया में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, क्योंकि पहले दो लैंग्वेज हुआ करते थे, इंग्लिश अमेरिकन, इंग्लिश यूके, बट बिकॉज इतने सारे लोग अब इंग्लिश इंडियन बोलने लगे तो एक अलग तीसरा एक कैटेगरी बन गए। तो होना तो जो कुणाल जी ने बोला वो बिल्कुल सही है, अगर रूट जो जड़ होता है और राउट को अगर एक ही वर्ड अगर हम कर देंगे तो फिर तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तो इसलिए राउट होना चाहिए। वो तो यहाँ की सीरी को तो बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मतलब अगर राजस्थान वाला कोई सीरी को बोले सीरी सर्च श्रीदेवी, श्रीदेवी तो बोलते हैं, हमारे तो श्रीदेवी बोलते हैं। वो पता चला सीरी खुद समझे कि मेरे बारे में पूछ रहे श्रीदेवी। जी सेनानी जी एक मिनट, आपके पहले था कुछ हमारे बगड़िया साहब भी कहना चाहते। जी बगड़िया जी, अरे जी वो अगर आपने सुना होगा या देखा होगा आजकल ये पाउट सेल्फी जब लेते हैं तो पाउट बहुत चलता है, तो मेरे को लगता है बंसल जी या फिर कुणाल जी ज्यादा पाउट कर रहे होंगे, इसके लिए उनसे राउट निकलता है। आप देखो सेल्फी के अंदर दो होंठ आगे करके पाउट किया जाता है। आप लॉजिक, आप तो चार्ट वार्ट छोड़ो, कहाँ फंसे हो फालतू में, कोई बढ़िया दूसरी चीज करो सुमित जी, उसमें ज्यादा मजा। जी सिद्धार्थ जी, अरे अनिल जी क्या रूट और राउट में लगे हुए हैं, बाहर इंडिया का गोल्डन एरा चल रहा है, जो इंडियन बोले वही देश दुनिया को मानना पड़ेगा, तो रूट को ही मानना पड़ेगा। तो ये गोल्डन टाई जो आपकी है ये वाकई में गोल्डन है या इसमें सोने का पानी चढ़ाया हुआ है? नहीं, ये तो कपड़े का है, बस दिल सोने का है। अरे वाह क्या बात है, वंडरफुल, वेरी नाइस। तो चलिए बढ़ते आगे, और अब वक्त है आपके लिए 10 की कमाई की शुरुआत करने का, उससे पहले जय ठक्कर तैयार है अपने